बवाना सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने चलाया सफाई अभियान। कैंप के अंदर व बाहर दोनों जगह मिलकर की सफाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ तथा स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर 2018 से 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी पूरे देश में सभी बटालियनों एवं संस्थानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज बवाना स्थित 236 बटालियन के रिपुबल के द्वारा एक गहन सफाई अभियान चलाया गया तथा कैंप परिसर और आसपास के इलाके की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट श्री गुलाब सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व कार्मिकों ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री गुलाब सिंह कमांडेंट 236 बटालियन ने बताया कि स्वच्छता किसी भी समाज के दृष्टिकोण का सकारात्मक परिचायक है। केरिपुबल में स्वच्छता दैनिक कार्यकलाप का अभिन्न अंग है तथा इसके अलावा भी केरिपुबल में समय समय पर विशेष साफ सफाई के अभियान चलाए जाते हैं। सरकार की नीतियों के अनुरूप बटालियन के आसपास के इलाकों व कैंप परिसर में स्थित विभिन्न स्थानों जैसे मुख्य कार्यालय, आवासीय परिसर, शौचालय एवं भोजनालय में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कैंप परिसर में किसी भी प्रकार के गुटखा अथवा पान मसाला व प्लास्टिक की थैलिया का प्रयोग करना निषिद्ध है। श्री गुलाब सिंह कमांडेंट 236 बटालियन ने यह भी बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को सबम देने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसी क्रम में दिनांक 02/10/2018 को बटालियन मुख्यालय में सभी अधिकारी एवं कार्मिकों के प्रति दृढ़ संकल्प होने की शपथ भी ली जाएगी।